हमें यूनिट फाइंड करने हैं ए और बी के वैंडरवाल इक्वेशन में। याद रखिएगा, हमेशा वो क्वांटिटीज ऐड होती हैं किसी भी इक्वेशन में जो सिमिलर होती हैं, और वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। मीन्स वैंडरवाल इक्वेशन में पी और ए और बी स्क्वायर का यूनिट सेम है और वी और बी का यूनिट सेम है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पी को कंपेयर करेंगे ए और बी स्क्वायर के साथ। मीन्स इसका यूनिट किसका इक्वल है, पास्कल के। तो ए का यूनिट फाइंड करने के लिए प्रेशर को वॉल्यूम पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। प्रेशर की जगह रिप्लेस करते हैं पास्कल, और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब। तो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ पावर मल्टीप्लाई हो तो मीटर पावर 6। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पावर 4। न्यूटन की जगह रिप्लेस करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो हमारा रिजल्ट होगा किलोग्राम मीटर पावर 5 पर सेकेंड स्क्वेयर। इसी तरह से अगर हमने बी का यूनिट फाइंड करना है तो वी इक्वल होगा बी के। तो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, मीन्स बी का यूनिट है मीटर क्यूब। एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कर लें तो बर्नौलीज इक्वेशन की एग्जाम्पल हमारे पास है। बर्नौलीज इक्वेशन है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये क्वान्टिटीज अगर ऐड हो रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि इन तमाम के यूनिट सेम हैं, और वो यूनिट कॉन्स्टेंट का भी होगा। तो मीन्स इन चारों के जो यूनिट हैं वो प्रेशर के इक्वल हैं, यानी पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।